सुखदारों के आगे अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक माँ ने लंबा संघर्ष किया। ये कहानी उस संघर्ष से जन्म लेती है। हमें यकीन है वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। ये वो समय था जब नीतीश कटारा को अपनी ज़िंदगी के कोरे कागज पर करियर की पेंसिल और प्यार से हकीकत के रंग भरना था। जब वो अपने करियर की तरफ बढ़ रहा था, तभी भारती यादव की लाइफ में उसकी ज़िंदगी प्यार की खुशबू से महक उठी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इसके बाद उसकी ज़िंदगी अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। ये अपने समय का देश का सबसे चर्चित हत्याकांड था। नीतीश 25 साल का एक हसमुख और मिलनसार नौजवान था। उसके पिता एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, जबकि उसकी माँ नीलम कटारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी। इसके अलावा नीतीश का एक छोटा भाई नितिन भी था। साल 1998 का था जब दिल्ली की गाजियाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में स्टडी करने आया था। वो यहाँ से MBA करने आया था। यहाँ उसकी मुलाकात भारती से हुई, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका पूरा नाम भारती यादव था। वो उत्तर प्रदेश की बाहुबली DP यादव की बेटी और जैसिका लाल हत्याकांड के आरोपी विकास यादव की बहन थी। भारती और नीतीश क्लासमेट थे। इस टाइम दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। नीतीश भारती के परिवार और उसके स्वभाव को जानता था, लेकिन भारती का स्वभाव अपने परिवार से काफ़ी अलग हसमुख और मिलनसार था। वो दूसरों के साथ काफ़ी सम्मानजनक तरीके से पेश आती थी। उन दिनों नीतीश कटारा के पिता बीमार चल रहे थे, इसलिए उसने साल 2000 में अपना MBA कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में नौकरी कर ली, जबकि भारती वापस अपने पिता के पास चली गई। अब इन दोनों प्रेमियों के बीच एक दूरी आ गई। अब उसका मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन इस दूरी ने इन दोनों के भीतर की कशिश को और बढ़ा दिया। इन लोगों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भारती नीतीश के घर फ़ोन किया करती थी, फूलों के गुलदस्ते भेजा करती थी। धीरे धीरे गुलदस्ते का साइज बड़ा होता चला गया। आगे ये चलकर नीतीश ने अपनी माँ नीलम कटारा से बात की और कहा कि भारती के पिता उसके लिए कहीं और लड़का देख रहे हैं, जबकि वो चाहता है कि भारती बहू बनकर इसी घर में आए। नीलम कटारा भी भारती से मिल चुकी थी, वो उन्हें अपने बेटे के लिए परफेक्ट बहू लगती थी। लेकिन भारती के परिवार की बैकग्राउंड और एटीट्यूड को देखकर वो सोच में पड़ जाती थी। साल 1999 में जैसिका लाल मर्डर केस में विकास यादव का नाम पूरे देश में बदनाम था। इतना ही नहीं, DP यादव हत्या के अलावा अवैध वसूली जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे। वो 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2 बार वो UP सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे। इन हालातों को देखते हुए नीलम कटारा ने अपने बेटे नीतीश को समझाने की कोशिश की कि भारती अपने परिवार में फिट नहीं हो पाएगी। नीतीश ने अपनी माँ को समझाया, भारती बिल्कुल वैसी नहीं है। जब नीलम ने अपने बेटे का मन देख लिया, तो उसने खुद DP यादव से नीतीश और भारती के रिश्ते की बात करने की बात कही, पर नीतीश ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि भारती खुद अपने पिता से हमारी शादी की बात करने की कोशिश कर रही है, उसके भाई कभी भी अपनी बहन की शादी गैर बरादरी में नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के न रहने पर वो मौका देखकर अपने पिता से बात करेगी, लेकिन भारती को अपने पिता से शादी की बात करने का मौका ही नहीं मिला। इधर भारती के भाइयों को नीतीश और भारती के रिश्ते की भनक लग गई। इसके बाद नीतीश का भारती से मिलना कम हो गया, लेकिन नीतीश ने प्यार के रास्ते पर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। ये घटना 16 फरवरी साल 2002 की है, जब नीतीश और भारती अपनी एक कॉमन फ्रेंड शिवानी गौर की शादी में गाजियाबाद पहुंचे। इस शादी में भारती का भाई विकास, उसकी माँ बहन भावना यादव, उसका कजिन विशाल भी मौजूद था। विशाल भारती की बुआ का लड़का था। इस शादी में नीतीश टैक्सी में अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ आया था। इस शादी में नीतीश और भारती एक दूसरे के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मिलते जुलते थे, एक साथ डांस भी कर रहे थे। यह सब चीज़ देखकर विकास यादव को बहुत बुरा लगता था। फाइनली उसने नीतीश को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। वही और विकास शराब पीने के लिए चले गए। इधर नीतीश अपने दोस्त भरत दिवाकर की शादी की पार्टी में खाना खा रहा था, तभी विकास नशे की हालत में उसके पास आया और उससे उसका नाम पता पूछने लगा। तब नीतीश ने भारती से कहा कि वो लौटकर अपना खाना कंप्लीट करेगा। वो विकास के साथ चला गया। विकास नीतीश को एक टाटा SUV में ले गया, जहां विकास यादव मौजूद था। इसके अलावा किराए का हत्यारा सुखदेव पहलवान मौजूद था। उन्होंने नीतीश को अपनी कार में बिठा लिया। सुखदेव पहलवान को खासतौर से नीतीश कटारा को मारकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया गया था। वो नीतीश को शादी वाली जगह से 80 किलोमीटर दूर खुर्जा लेकर गए। हाईवे से अलग एक सुनसान पुल के नीचे गाड़ी ले गए। तीनों नीतीश को बुरी तरह मारने लगे। नीतीश को बुरी तरह मार लेने के बाद भी हत्यारों का मन नहीं भरा।
विकास यादव बुरी तरह से पागल हो रहा था। वो अपनी गाड़ी से एक हथौड़ा निकाल कर लाया और उसके बाद उन तीनों ने मिलकर नीतीश कटारा को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी डेड बॉडी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद तीनों हत्यारे फरार हो गए। शादी में नीतीश का दोस्त भरत उससे तलाश कर रहा था। नीतीश को गुम हुए 3 घंटे हो गए थे। जब नीतीश नहीं लौटा तो भरत अकेले ही घर लौट आया और सीधा नीतीश के घर नीलम कटारा से मिलने पहुंचा। उसने नीलम को सारी बात बताई। नीलम ने भारती को फ़ोन लगाया। भारती ने बताया कि वो भी नीतीश को काफ़ी समय से ढूंढ रही है। भारती ने नीलम से अपने पिता डीपी यादव से बात करने के लिए कहा। नीलम कटारा ने जब डीपी यादव को फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने दोबारा भारती को फ़ोन लगाया। भारती ने कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। सुबह होते ही नीलम कटारा ने गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। साथ ही यह भी बताया कि आखिरी बार उसके बेटे को विशाल यादव और विकास यादव के साथ टाटा एसयूवी में जाते हुए देखा गया। घटना के ठीक अगले दिन 17 फरवरी को खुर्जा के निकट घटना स्थल पर एक लोकल व्यक्ति को बुरी तरह जली हुई डेड बॉडी मिली। उसने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने फरवरी को नीलम को डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। लाश का केवल बायां हाथ सही सलामत था, जिस पर एक घड़ी बंधी हुई थी। नीलम ने उसे देखते ही अपने बेटे के रूप में पहचान कर ली। अपने नौजवान बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर नीलम कटारा ने डिसाइड कर लिया कि वो उसके हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगी। नीलम ने डेड बॉडी को गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में ले जाने के बजाय दिल्ली बुलवा लिया और तत्काल उसका डीएनए भी करा लिया ताकि डेड बॉडी बदलने जैसी कोई घटना ना हो पाए। अब मामला नीतीश की गुमशुदगी से बढ़कर अब उसकी हत्या का बन चुका था। नीलम कटारा के रिश्तेदार भी बड़े अधिकारी थे, वो पुलिस पर जल्दी कार्रवाई करने का दबाव बना रहे थे। दूसरी तरफ डीपी यादव उत्तर प्रदेश का बाहुबली था, वो सारे मामले को रफा दफा करने की फिराक में था। तीसरी तरफ मीडिया इस मामले को जोर शोर से उछाल रही थी। पुलिस पर हर तरह से दबाव बन रहा था। पुलिस ने शादी वाली रात मौजूद उन लोगों के बयान दर्ज किए जिन्होंने नीतीश को विशाल और विकास के साथ जाते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस मामले के फरार आरोपियों की तलाश में लग गई। 11 मार्च 2002 पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई टाटा सफारी एसयूवी को बरामद कर लिया। 23 अप्रैल 2002 को पुलिस ने मध्य प्रदेश की डबरा से विकास और विशाल को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही वहां के प्रभारी अशोक भदौरिया और कांस्टेबल ब्रिजमोहन मिश्रा के सामने उनका कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन नीलम कटारा का नतीश को इंसाफ दिलाने का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। अदालत में जाते ही तमाम गवाह पलट गए जिन्होंने पुलिस के सामने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी। यहां तक कि जिस पुलिस अधिकारी ने आरोपियों को कन्फेशन रिकॉर्ड किया था वो भी पलट गया। कांस्टेबल ब्रिजमोहन मिश्रा कोर्ट में पेश नहीं हुए। दूसरी तरफ नीलम कटारा को अपनी बेटी का केस लड़ने के लिए वकील ही नहीं मिल रहा था। जो मिल रहे थे उन्हें डीपी यादव खरीद लेते थे। फाइनली जो वकील नीलम यादव का केस लड़ने के लिए अदालत में खड़ा हुआ उसने इस मामले की सबसे अहम कड़ी भारती यादव को गवाह बनाया, जबकि विकास यादव को 2004 से 2005 तक कई बार बेल दी गई। इन हालात में परेशान होकर नीलम ने मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 23 अगस्त 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया। इसी साल नवंबर महीने की 23 तारीख को अदालत ने विकास और विशाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इस मामले की तीसरे आरोपी सुखदीप पहलवान के खिलाफ एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया जो उसी साल 2005 में अरेस्ट किया गया। डीपी यादव हर संभव कोशिश कर रहा था कि वो अपनी भांजे और बेटे को बचा ले। उसने भारती को इंग्लैंड भिजवा दिया। इस मामले के अहम गवाह अजय कटारा को परिवार समेत कई बार जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन फाइनली जीत नीलम कटारा की हुई। कोर्ट ने जब भारती को भगोड़ा घोषित किया, उसका वीजा पासपोर्ट रद्द करने की बात कही तो भारती को अदालत के सामने पेश होना पड़ा। 25 अगस्त 2006 को भारती यादव कोर्ट में पेश हुई, पर वो पलट गई। उसने नीतीश के साथ किसी प्रकार के रोमांटिक रिश्ते होने से इनकार कर दिया, पर इतना जरूर स्वीकार किया कि उसने नीतीश को फूल और कार्ड जरूर भेजे थे। आगे चलकर मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 23 मई 2008 को अदालत ने नीतीश कटारा की हत्या को ऑनर किलिंग मानते हुए विशाल और विकास को बिना किसी छूट के 30 साल जेल के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। आगे चलकर यही सजा मामले के तीसरे आरोपी सुखदेव पहलवान को भी सुनाई गई, लेकिन उसे बिना किसी छूट के 25 साल जेल में रहना पड़ा। नीलम दोषियों की इस सजा से संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक दोषियों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं दोषियों ने भी सजा से छूट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के विकल्प को इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को केवल इतनी राहत मिली कि बिना किसी छूट के विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल जेल में बिताने पड़ेंगे।
भले ही दोषियों को फांसी न हुई हो, लेकिन हम इसे सत्य और न्याय की जीत कह सकते हैं। आप इस मामले में क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।